बीएमवाई चरोदा में मंगलवार को रेल कर्मचारी सचिन की मालगाड़ी से शटिंग के दौरान हुई घटना की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने इस पूरे मामले में मर कायम का विवेचना शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मूलतः भंडारा का रहने वाला सचिन कुमार वर्तमान में पंचशील नगर में किराए के मकान में निवासरत था। रेलवे कर्मचारी सचिन कुमार पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत था, जो बीएमवाई चरोदा केबिन में वैगन सेंटिंग का कार्य कर रहा था। इस दौरान वह कपलेन के बीच में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला भेज दिया है। पूरे मामले की जानकारी जांच अधिकारी ने दी। आज दिनांक को रेलवे अस्पताल बीएमवाई चरोदा द्वारा मेमो प्राप्त हुआ कि सचिन कुमार नामक व्यक्ति जो पॉइंट्समैन है वो मौत हो गया है, जिसकी सूचना पर मर कायम करके मौके पर पहुंचे, जहाँ पे पता चला कि सचिन कुमार ने ई केबिन बीएमवाई चरोदा में वैगन सेटिंग कर रहा था। सेटिंग के दौरान वैगन के कपलिंग के बीच में आ गया, जिससे उसकी गंभीर चोट लगी थी। अस्पताल लाया, डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। मौके में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, शव को पंचनामा किया गया, बाद पंचनामा के पीएम के लिए सुपेला अस्पताल रवाना किया गया। मृतक जो है सचिन कुमार पंचशील नगर वार्ड क्रमांक 20 में किराए के मकान में रहता है, रहने वाला भंडारा का है, पॉइंट्समैन के पॉइंट पर रेलवे में नौकरी करता है। बहरहाल इस अप्रत्याशित हादसे से रेल कर्मचारी स्तब्ध हैं, मामले की जांच जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे।